सारी प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि इस संवेदनशील मसला है जिन्हों बहुत जल्दी नजिठा जाना चाहिए। असी पिछले दिनों जदों दिल्ली च किसान अंदोलन चलता सी उदों इन सारे व्यापारियों एक मीटिंग करके सलाह दिती सी कि आपां इकट्ठे होकर जिथे किसान एडा वड्डा संघर्ष लड़ रहे हैं तुसीं इहदे च सहयोग करो क्योंकि एक बहुत नेड़ दा संबंध है किसानी मसलियां दा ते व्यापारी मसलियां दा, व्यापारी कारोबार दा ते किसानी कारोबार दा। इन्हां ने साडी इह सलाह नूं मन्निया ते बहुत वड्डी गिणती दे जो व्यापारी जिहड़े सी उह दिल्ली किसान मोर्चे च गए, सारे ने सलाह की। अज भी असीं चाहुंदे आ कि हिंदुस्तान दे विच बहुत छोटा जिहा सूबा पंजाब, इहदी आर्थिक हालत सुधारन वास्ते सानूं व्यापारक रस्ता खोलना चाहिए। जिहड़ा व्यापार साडा होवे उह बजाए असीं कांडले दे उत्थे जा के उत्थे 1400 किलोमीटर जाइए तो फिर असी अपनी कोई चीज़ विदेश भेज सकीए, तो इतने क्यों ना 40 किलोमीटर से जाके असी जिहड़ा वाघा बार्डर तो कई देशों के नाल साडा व्यापार खुल सकता है। ये भी व्यापारियों तो किसानों इकट्ठिया होकर हमला मारना पैना है। इस वास्ते साडी अपील है, असी वख-वख जथेबंदियां किसान जथेबंदियां साडी अपनी भी किसान बचाओ मोर्चा जथेबंदी है, भाई कृपा सिंह दे प्रधान है, उहदे समेत मैं 5-6 जथेबंदियां नाल इस मसले च भी गल कीती भी मसला की है। कईआं नूं तां पता भी नहीं, बलबीर सिंह राजेवाल नाल गल कीती, होर कईआं नाल गल कीती, रकेश जी नाल गल कीती, उह कहिंदे सानूं इहदे बारे नहीं पता भी इह मसला दलियाल साहब क्यों बैठे आ। असी सरदार जगजीत सिंह नूं बेनती करदे हां कि जिथे तुहानूं सरदार सुखविंदर सिंह की मौत का दुख है उत्थे व्यापारियों भी दुख है, सानू भी दुख है, पर मौत किहदी नहीं होनी, मौत हर एक की होनी है, पर किसी मौत नूं गलत ढंग दे नाल इशू बना लेना तो जिहड़ी कोई चीज़ सुलझ रही है जिन्हां तों जिहड़ा हिंदू सिख का जां व्यापारियों का जिहड़ी एक त्रेड़ जी कुछ मीडिया ने कुछ गौरमेंटां ने कुछ एजेंसियां ने पाई हुई सी उहनूं मिटण दे यतन हो रहे हैं, उहदे विच बहुत वड्डी रुकावट बनदी है। सो असीं दलियाल साहब नूं बेनती करते हैं, मैं परसनल तौर पर मैं अपनी गल करदा, मैनू बहुत ही भरोसेयोग जो सूत्रों तो भी पता लगा है कि जिहड़ा सुसाइड लिखिया नोट लिखिया गया है वह भी मरण वाले व्यक्ति का नहीं गा, मैं ये नहीं दावा करता, मैनू हाले भरोसेयोग सूत्रों तो पता लगना, यदि तफ्तीश होनी चाहिए है, टोटल केस की तफ्तीश हो लैन दो भी टोटल केस की है, फिर क्योंकि जमीन का झगड़ा है वो भी अदालतों के बच्चे अदालतों का ही निबड़िया होया, वो सारी तफ्तीश होने तो बाद जे फिर भी थोड़ा लगता भी जैन परिवार दोषी है तो दलियाल साहब के नाल असं भी बैठ जाएंगे धरने पर जाके, असं भी इंसाफ चाहते हैं, पर बिना तफ्तीश तो बिना किसी गल तो बिना पोस्टमार्टम तो रिपोर्ट तो एक तरफा फैसला दलियाल साहब का लैना यह भी एक शक के घेरे चाहता। इस वास्ते असी कुछ भी नहीं होर कहना चाहते, असी बहुत निम्रता सहित बेनती करते हैं, जत्थेबंदियां साढ़े कोल भी बहुत वड्डी वड्डियां हैगियां, हर तरह दियां हैगियां, पर असी इस कलेश विच नहीं पैना चाहुंदे कि तुसीं एक बहुत वड्डे भाईचारे नूं किसी निजी मसले दे विच उहदे सट मारो। असी सरदार सुखविंदर सिंह जिन्हां दी मौत हो चुकी है उहदे परिवार नाल पूरी तरह हमदर्द हैं, असी उहनां नूं भरोसा दिवाउणे आ वी तुहाडे नाल किते वी बेइंसाफी हुंदी है असी तुहाडे नाल खड़ांगे, पर तुसीं सारे केस दी जुडिशली तफ्तीश होन दिओ तां कि इहदा असलीयत भी सारिआं दे सामणे आवे। सानू जैन परिवार कहूगा असी सच्चे हाँ, दलियाल साहब कहिंदे भावां इहदी मौत जिहड़ी है उहनें खुदकशी ना भी कीती होवे तां भी मैं इहनां नूं दोषी ठहराउणा, इह एक तरफे फैसले लैणे इह गलत हो जाणगे, इस करके इहनूं होर तूल ना दिओ। पंजाब ने पहलां ही बहुत संताप ढाया है, बहुत तरहां दे झमेलियां विच्चों निकलिया, इहनूं होर झमेलियां 'च ना फसाईए, इस करके असीं निजी तौर पर भी यतन करांगे, दलियाल साहब नूं मिलांगे, होर किसान जथेबंदियों नूं नाल मिलावांगे, और दोनों तरफा नूं साडा कोई जैन परिवार नाल हिस्सा नहीं ते साडी कोई सरदार दुखविंदर सिंह दे परिवार दे नाल कोई दुश्मनी नहीं, असीं दोनों नूं बराबर रख के असीं चाहुंदे आ कि दोनों नूं इंसाफ मिले, किसी नाल धक्का ना होवे। ये कह देना बिना ही तफ्तीश तो कहना कि माफ़ी है कि किसानां दी जमीन हड़प रहे हैं, ये एक कहानी बनाई जा रही है कि यहोजा इशू उभार दो जिदे नाल साडा डर पैदा हो जाए, साडी एक धौंस बन जाए, ये कती घटिया नीति है, ये तो गुरेज करना चाहिए,
इंसाफ सारे लई होना चाहिए वो असी वचनबद्ध है वो असी प्रशासन को भी मिले हैं प्रशासन ने सानू भरोसा भी दवाया है वो कहिंदे सानू तुरंत तां दिओ सानू पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर दिओ वो सामने रखिए उहदे तों बाद जिहड़ा पता लगे भी कारण की है मौत का उस तों बाद सारी तफ्तीश होवे एक धरना ला के सब कुछ ही रोक दिओ ये कोई दयानतदारी नहीं सो मैं सारे जथेबंदियों का भी धन्यवाद करदा सारी प्रेस का भी धन्यवाद करदा मैं तुहाडे राही डलियाल साहब नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं बड़े सुलझे हुए हो बड़े लंबे समय तो तुसीं संघर्ष कर रहे हो तुहानूं इह भी पता है कि व्यापारी जथेबंदियों के दिल्ली जाण दे नाल किवें माहौल बदलिया सी सारा किवें एक प्रैशर बनिया सीगा तुसीं सारियां गल्लां जाणदे अज भी व्यापारियों ते किसानां नूं इकट्ठा होकर बहुत सारे मसले सुलझाने चाहिए है जिदे नाल किसानां दी भी जायजाकार होएगी और पंजाब दा बहुत भला होएगा उहदे विच उहदे विच इन्नियां छोटियां अपनियां निजी गरजां नूं जां निजी धौंस नूं जां निजी होंद नूं मूहरे रख के कुछ इहो जिहे फैसले जिहड़े लैणे आ उहदे ते दुबारा सोच लैण दलियाल साहब सियाणे आ उहनूं सारा रीथिंक करन तां कि असीं सारे इकट्ठे हो के इस मसले नूं सुलझा सकीए धन्नवाद अज की कानफ्रेंस में श्री अकाल तख्त साहब के सबका जायेदार सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी यूनाइटेड अकाली दल के सारे अहदेदार इस तरह लोग अधिकार लहर है जी सारे अहदेदार इतने शामिल हुए हैं मुख तौर पर जी अज की प्रेस कानफ्रेंस का साडा मुद्दा है 2003 के सुखविंदर सिंह दिलावर सिंह ने राकेश कुमार ते अश्विनी कुमार नूं जैनपुर पिंड दी जमीन वेची सी एक साल का बयाना होया सी 30 लाख रुपये बयाना लिया और रजिस्टरी एक साल दे विच नहीं करवाई फिर केस चलिया उस केस दे विच दोहां भरावां ने अदालत दे विच फैसला किया तो एफीडेविट दे के साडा समझौता हो गया तो अदालत ने केस नूं खारिज कर दिता पर परंतु 1,15,00,000 रुपये उन्होंने होर वाधू लैके भी रजिस्टरी नहीं कराई अदालत ने रजिस्टरी कर दिती हुण पिछले दिनां च सुखविंदर सिंह दी मौत हो गई जिहदे च मुख कारण दा तां पता नहीं की है क्योंकि पोस्टमार्टम राही ही पता लग सकदा है जित्थों तक सरदार सुखविंदर सिंह दी मौत दा संबंध है सानू सारे नूं अफसोस है साडी उस परिवार नाल हमदर्दी है दूजी गल भी जिहड़ा किसी उत्ते 306 भी इन्हां करके दोहां भरावां करके मौत हो गई उहदा पोस्टमार्टम ही नहीं करवाया तो धारा ही नहीं बनदी अज राकेश कुमार जेल च है पिछले 15 दिन तो वह गलत है एक व्यक्ति का जिहड़ा उन्होंने नाम दिता 2003 च बयाना होया उस तो 2 साल पहला उन्हां दी मौत हो चुकी सी उहदा नाम भी उस अर्जी दे विच देता असीं एक गल कहनी चाहुंदे आ कि जमीनी विवाद आर्थिक विवाद साढ़े हो जाते हैं बहुत बारी भरावां दे सकें दे भी हो जाते हैं पर उन्हूं जथेबंधक जां किसे तरह यह सलाह पैदा करना जिहदे नाल साडा समाजिक इकसुरता समाजिक तनाव पैदा होए वो ठीक नहीं अज असी सारियां जिहड़ियां जथेबंदियां इकट्ठे होए हैं उन्हां वल्लों ये गल कहनी चाहुंदे आ कि असी भारतीय किसान यूनियन दे आगू सरदार जगजीत सिंह ते उस परिवार नूं भी कहना चाहुंदे आ कि एक परिवारक आर्थिक मामला है पंचायती मामला है इहनूं बैठ के निबेड़िया जाए किसी तरह का उस तरह के लफ्ज़ उस तरह के टकराव जिहड़ा कि पंजाब का माहौल पिछले बहुत लंबे समय तो सरदार श्री जैन होरी तरन जैन जी बाबा जी होरी ते इन्हां दी सारी जथेबंदी खारा साहब इत्थे बैठे है ये पंजाब का एक माहौल सारे पंजाब नूं इकट्ठा करके पंजाब दीआं मंगां बारे भावें किसानी मोर्चे दीआं मंगां सी भावें रिहाइयां दीआं मंगां कौमी इंसाफ मोर्चे वल्लों सारे पंजाब दे भाईचारे इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ रहे हैं उहदे विच कोई त्रेड़ नहीं आउणी चाहिए जित्थों तक उत्थे स्टेजां दे उत्ते श्री बाबा जी दा तरन बाबा जी दा संबंध है बाबा जी दा इस सौदे दे विच कोई लैण देण नहीं ना उहनां दा नां ना उह जिहड़े मृतक आ उन्होंने कोई जैन साहब का तरन जैन का नाम पाया गया वो एक समाजिक व्यापारक आगू के तौर पर उन्होंने बदनाम करना गलत है असी फिर अपनी गल इधर आते हुए कि एक समाजिक आर्थिक मुद्दा इन सुहिरतापूर्व जथेबंधक तौर पर लड़ाइया नहीं लड़निया चाहिए इनू हल करना चाहिए धन्यवाद जी मैं सरदार बलविंदर सिंह साहब भाई जसवीर सिंह जी रोडे जिहड़े सबका जथेदार है खारा साहब एडवोकेट सीनियर है इन्हां नूं बेनती करा कि इस मामले पर कुछ संखेप च अपने विचार दसो मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी। मैं लोक अधिकार लहर का मैंबर हाँ
अज बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के उत्ते आपां विचार करन वास्ते इत्थे इकट्ठे होए आ। तुहाडा सारयां दा इत्थे पुज्जण ते हार्दिक धन्नवाद करदे आ। पिछले दिनी 11 अगस्त नूं जैनपुर दे विच एक किसान दी मौत हुई। उस मौत ते उस परिवार दे नाल असीं हमदर्दी दा प्रगटावा करदे आ। उन्हां दे भरा वल्लों 2003 दे विच होए एक सौदे दे संबंध दे विच एक दरखास्त ते खुदकुशी नोट जिहड़ा हैगा दे के इंसाफ मंगिया गया कि इहदे विच 2003 च जिहड़ा सौदा होया सीगा लगभग 7.25 एकड़ दा, जिहदे च 30 लाख रुपया बयाना दिता गया सी, ते एक साल दे विच उहदी रजिस्ट्री होनी सी। उस तो बाद वो कोर्ट दे विच 2004 तो केस चलिया। इहदे विच एक बहुत वड्डी किसान जथेबंदी दे आगू सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल होरां ने अपने जथेबंदी वालों एक दबाव बनाया अते पोस्टमार्टम जिहड़ा हैगा वह अज तक जिहड़ा है उहदा नहीं होया। अज एक दोषी जिहदा नाम पाया गया सीगा, दोषी मन्निया गया, उहनूं खुदकुशी नोट दे विच अज उहनां नूं अंतरिम बेल जिहड़ी हैगी अदालत वालों मिली है। तो दूसरा राकेश जैन जी जिहड़े हैगे आ उह 11 अगस्त तो पुलिस हिरासत दे विच है। बगैर पोस्टमार्टम दे डैथ ऑफ काज जिहड़ा हैगा वह सामने नहीं आउंदा। अते प्रेस नोट की जिहड़ी प्रोसैसिंग जाँच हैगी है वह भी अजे तक सामने नहीं आई। खुदकुशी नोट जिहड़ा दिता सी उहदी अजे जाँच जिहड़ी है वह सामने नहीं आई। अज मानयोग अदालत ने एक जिहड़ा उहदे विच नामजद किया गया सीगा उहनां नूं जमानत दिती है। सो साडी उस बहुत ही सूझवान किसान जथेबंदी आगू नूं एक बेनती है कि पिछले दिनां दे विच एक बहुत वड्डा धरना जिहड़ा हैगा उन्होंने इत्थे किसान शक्ति नूं बुला के लाया, और इस तरह व्यापारियों वालों भी एक बहुत वड्डा कट किया गया, तो आने वाले समय च वड्डी काल दित्ती गई। सिंह साहब जथेदार भाई जसवीर सिंह जी रोडे अते यूनाइटेड अकाली दल के चेयरमैन गुरदीप सिंह बठिंडा होरां दी बेनती ते व्यापारियों ने वो जिहड़ी वड्डी काल सी उन्हों पिछे पाया ताकि किसी तरह का तनाव जिहड़ा हैगा ना पैदा होवे, क्योंकि पिछले किसानी अंदोलन के समय ये जिन्हें भी व्यापारी लुधियाने के सी इन्होंने एक वड्डा योगदान जिहड़ा हैगा वो दिल्ली के किसानी अंदोलन दे विच पाया और बहुत वड्डी गिणती दे विच उत्थे पहुँचे। इहदे तों इलावा कौमी इंसाफ मोर्चा जिहड़ा लग्गिया होया उत्थे भी इन्हां दा भरपूर योगदान रहा। सो ये जिहड़ी एक भाईचारक सांझ है इहनूं एक आर्थिक मुद्दे दे उत्ते इहदे च तरेड़ां नहीं आउणियां चाहीदियां। सो दो तीन गल्लां बहुत महत्वपूर्ण है कि उस किसान परिवार ने 2006 दे विच अप्रैल 2006 दे विच अदालत दे विच एक समझौता अपने वकीलों ने भी उहदे ते दस्तखत कीते जिहड़े उहनां दे वकील सन, अते उहनां ने भी जिहड़ा सीगा समझौता कीता, परंतु वो रजिस्ट्री जिहड़ी है वो कोर्ट के जरिए हुई। उस तो बाद उन्होंने भैणा वालों किया गया जिहड़ा केस सीगा, हालांकि उन्हां दीयां तीन भैणा ने भी अदालत दे विच समझौते ते दस्तखत किए सन। वो केस सुप्रीम कोर्ट तक चलिया, 212 तो बाद जाके इस परिवार को जैन परिवार ने जिन्हें जमीन खरीदी सी उन्होंने इंसाफ मिलिया। सो इस सारे मुद्दे के उत्ते साडी किसान आगूआं नूं इन्हां नूं जिन्हां ने मतलब धरना लाया होया उन्हां नूं ये बेनती है कि वो पंचायती रोल अदा करते हुए भाईचारियां नूं निशाने ते ना लैके आउण, और इस मुद्दे नूं जिहड़ा हैगा वो पूरी सूझबूझ दे नाल नजिठिया जावे। और एक 22 साल पहलां मौत हो चुकी व्यक्ति का नाम उस खुदकुशी नोट दे विच पाउणा बहुत हैरानी वाली गल है। ये सारियां गल्लां नूं विचारिया जाना चाहीदा है, और सानूं ये मामला जिहड़ा हैगा वो कानून अते पंचायती रूप दे विच निबेड़ना चाहिए, ना कि दोवां भाईचारियां नूं एक दूजे दे सामने आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसानां नाल तुसीं बैठ के कोई मीटिंग दा कोई योजना? हाँ जी, सरदार गुरदीप सिंह जी बठिंडा ने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल होरां दे नाल उन्हां दे धरना शुरू करदिआं समय ही जिहड़ी गलबात हैगी है वह की गई। ये सारे तत्थ जिहड़े हैगे उन्हां दे ध्यान च लिआंदे गए है। हुण भी जथेदार साहब वालों भी यतन किए जा रहे हैं कि यह जो मामला हैगा ये मिल बैठ के नबेड़िया जाए। कद तक आ सके?
देखो ये अज माणयोग अदालत ने एक बंदा जिहड़ा नामजद किया गया सी उहदी जमानत की और स्पष्ट शब्दों के जिहड़ा मदई परिवार है उन्होंने कहा कि तुसीं पोस्टमार्टम जिहड़ा हैगा वह करवाओ। पोस्टमार्टम होने तो बाद ते बाकी जिहड़ा पिछले समय के समझौता होया 2006 दे विच अदालत च और इन्हां सारियां गल्लां नूं मद्देनज़र रख के लगभग 6 IPS अफसरां वल्लों इनकुआरियां भी कीतियां गईयां। सो अजिहा नहीं कि सारियां इनकुआरियां जिहड़ियां हैगियां वह व्यापारियां दे हक च होईयां। शुरू वेले SDM ने जिहड़ा मतलब इंतकाल सीगा वह परिवार के 5 जीआं दे नाम ते कर दिता सी, भैणां दे नाम ते माता दी मौत तो बाद। तो उदू उपरलियां जिन्नियां भी अदालतां सीगियां वह सारियां दियां सारियां अदालतां उस जिहड़ा बयाना होया सीगा और उस तो बाद जिहड़ी रजिस्ट्री हुई उहदे हक दे विच उन्होंने जिहड़ा फतवा दिता। सर जिवें तुसीं कहिंदे पैसे भी असीं जमा कराए हुए और लै नहीं रहे, लेकिन 3 साल तो बाद कहिंदे ने कोर्ट दे भी हिसाब दे नाल बंद हो जांदा केस, तो बंद नहीं कीता गया? देखो इस तरह किसी गल नूं लड़ाई नूं लस्सियां नूं जिन्ना मर्जी आपां वधाई जाइए, क्योंकि पिछले समय के 2003 तो यह केस शुरू होया, 2004 के अदालत च गया, 2006 समझौता होने तो बाद अदालत वालों 2007 के रजिस्ट्री अदालत के जरिए हुई, तो उस समझौते के दौरान जिन्ने पैसे बनते सी उहदे तो 1,15,00,000 रुपया जिहड़ा वक्रे तौर पर लिया गया। सो उदों बाद उन्हां द्वारा कंधा कई बार ढाईया गई, उत्थे लड़ाई झगड़े किए गए, लगभग 5 मुकदमे भी उन्हां दे खिलाफ चले जिन्हां च किसानां नूं 2 साल की सज़ा भी इन्हां किसान भरावां नूं हुई जिहदा उन्होंने अगे अदालत दे विच केस चल रहा है। सो इस गल नूं खत्म किए जाना चाहिए और ये खत्म करवाउण दे विच जे कोई वड्डा योगदान अदा कर सकते हैं ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਆਏ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੋਏ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਨਿਬੇੜ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਬੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਭੋਏ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਕਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਏ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸ਼ੁਭਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਖਾਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੈਨਪੁਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਮਹਾਂਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ
भरी सभा के औरत नंगी करने की कोशिश की गई थी इस तरह का समाज ना बनाने की कोशिश करिए जिस तरह रामायण के बनया एक औरत को चक के ले गया एक बंदा और उसनू वापस करने की बजाय सारा वो खानदान और सारी वो देश लड़ाई के लिए तैयार होकर खड़ गया। यह जहा समाज ना बनाइए। मैं फिर सारिया धिरों हथ बन के बेनती करदा इन्हां पुलिस का बहुत वधिया रोल हो सकता इन्हों सुलझाने के लिए, प्रशासन का बहुत वधिया रोल हो सकता, किसान जथेबंदियों का बहुत वधिया रोल हो सकता है। भी मैं उन्होंने फिर बेनती करदा भी ईमानदारी नाल ते समझदारी नाल जो असलियत तत्थ ने उन्होंने देख के उन्हों इहदा फैसला करो। जे तुसीं इन्हां नूं उलझाउण दी कोशिश करोगे तो समाज नूं तुसीं वंडण दी कोशिश करोगे और एक बहुत ही घटिया समाज बनाउण दी कोशिश करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।